नमस्कार विद्यार्थियों, एम ए प्रीवियस के सभी भूगोल विषय के विद्यार्थियों, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग एम ए प्रीवियस का प्रैक्टिकल का पेपर एयर फोटो इंटरप्रिटेशन और रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने रिमोट सेंसिंग का परिचय, इसकी प्रक्रियाएं आदि के बारे में पहले बात कर चुके हैं हम। वायु फोटोचित्र क्या होते हैं, इन पर भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। आज हम विद्युत चुंबकीय ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अर्थात विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में प्रकाश के वेग से गति करती है। जब कोई प्रकाश की किरण विभिन्न प्रकाशिक घनत्व के माध्यम में संचरण करती है तो वह तरंग के रूप में व्यवहार करने लगती है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों में, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के कौन से रूप हैं ये ध्यान दीजिए आप, दृश्य प्रकाश, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात पराबैंगनी किरणें, ऊष्मा, लघु तरंग और रेडियो तरंगें आती हैं। इन सभी तरंगों के संचरण का तरीका एक समान होता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दो तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं, ये दो इसके प्रकार तरंग एवं फोटोन कहलाते हैं। विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा प्रकाश के दो मुख्य घटक होते हैं। सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एवं चुंबकीय ऊर्जा के मध्य निरंतर परिवर्तित होती हुई विचरित करती है और यही कारण है कि इसे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहा जाता है। तो ये बात आप समझ गए, इसको विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्यों कहते हैं। ये इसका एक डायग्राम है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के विभिन्न अंगों का प्रदर्शन किया गया है। अब हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के जो तीन मुख्य लक्षण हैं जिनका हम वर्णन कर सकते हैं, वो है वेव वेलोसिटी अर्थात तरंग वेग, दूसरा वेव लेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य और तीसरा है वेव फ्रीक्वेंसी अर्थात तरंग बारंबारता। हम पहले तरंग वेग को समझेंगे। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण का वेग एक समान होता है। प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का रूप है, इसीलिए प्रकाश के वेग को सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग माना जाता है। किसी निर्वात में प्रकाश या अन्य तरंग का वेग लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग किसी भिन्न घनत्व वाले माध्यम में गति करती है तो उसके वेग में अंतर आ जाता है। गणितीय सूत्र में प्रकाश के वेग के लिए इंग्लिश का छोटा सी अक्षर प्रयुक्त करते हैं। अब दूसरा है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की किन्हीं दो उत्तरोत्तर तरंग शीर्ष के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसे हम माइक्रोमीटर में दर्शाते हैं। इसमें ग्रीक भाषा का जो लैम्डा अक्षर होता है वो इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरा है तरंग बारंबारता अर्थात वेव फ्रीक्वेंसी। समय की निश्चित अवधि में किसी दिए हुए बिंदु से होकर गुजरने वाले तरंग शीर्षों की संख्या को संबंधित विद्युत चुंबकीय तरंग की बारंबारता कहते हैं। किसी तरंग की बारंबारता को पहले प्रति सेकेंड चक्रों के रूप में बताने का प्रचलन था, लेकिन अब हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। एक चक्र प्रति सेकेंड की बारंबारता को 1 हर्ट्ज माना जाता है और बारंबारता को हम न्यू अक्षर से दर्शाते हैं। एक बात आप और ध्यान रखें कि कोई तरंग दैर्ध्य जितनी छोटी होती है उतनी ही उसकी बारंबारता अधिक होती है।
तो ये थी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा और उसकी विभिन्न जो लक्षण हैं, जिसमें तीन मुख्य तरंगों की हमने बात की। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। ऐसा वृहद स्पेक्ट्रम जिसमें कॉस्मिक किरणों से लेकर रेडियो तरंगों के सभी तरंग दैर्ध्य निहित होते हैं, उसे हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। यदि सूर्य के प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म की सहायता से अंधेरे में किसी सफ़ेद पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाए तो उस पर्दे पर बहुरंगीन पट्टी बन जाती है, मतलब एक से अधिक रंग दिखाई देने लगते हैं। यह एक प्रकाश स्पेक्ट्रम है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का सूक्ष्म रूप है, लघु रूप है। इस पर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग दिखाई देते हैं, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। इसी कारण से इसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य और बैंगनी रंग की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम केवल लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लाल रंग से ऊपर और बैंगनी रंग से नीचे भी काफ़ी फैला हुआ होता है। ये भाग आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग के ऊपर बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले भाग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम अर्थात अवरक्त स्पेक्ट्रम और बैंगनी रंग से नीचे छोटी तरंग दैर्ध्य वाले भागों को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम अर्थात अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि प्रकाश की बारीक किरण को किसी प्रिज्म से गुजारें तो प्रिज्म की दूसरी ओर रखे सफ़ेद पर्दे पर जो बहुरंगीन पट्टी बन जाती है, जिसके एक सिरे पर बैंगनी रंग और दूसरे पर क्रमशः नीला, हरा, पीला और लाल रंग होता है। बैंगनी, नीले, हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियों के इसी क्रम को प्रकाश स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, सर विलियम हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने तापमापी के प्रयोग द्वारा यह बताया कि पर्दे पर दिखाई देने वाले प्रकाश स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग की पट्टी की ओर टेम्परेचर बढ़ता है और यह वृद्धि लाल सिरे से आगे की ओर भी निरंतर जारी रहती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के सभी तरंग दैर्ध्य एवं तरंग बारंबारताओं का एक व्यवस्थित और निरंतर क्रम मिलता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को सात बड़े बड़े भागों अथवा स्पेक्ट्रमी प्रदेशों में निम्नानुसार बांटा जाता है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखें। गामा किरण प्रदेश, एक्स किरण प्रदेश, पराबैंगनी प्रदेश, दृश्य प्रदेश, अवरक्त प्रदेश, लघु तरंग प्रदेश और रेडियो तरंग प्रदेश होते हैं। कुछ स्पेक्ट्रमी प्रदेश जैसे गामा किरण, एक्स किरण और पराबैंगनी प्रदेश की ऊर्जा वायुमंडल में ही अवशोषित हो जाती है, इसीलिए इन प्रदेशों के तरंग दैर्ध्य को दूर संवेदन के कार्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता और इसीलिए धरातल के दूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के केवल लघु तरंग, अवरक्त और दृश्य स्पेक्ट्रमी प्रदेशों और पराबैंगनी प्रदेश के लंबे तरंग दैर्ध्य वाले भाग अर्थात फोटोग्राफिक पराबैंगनी बैंड का ही उपयोग कर पाते हैं। दूर संवेदन की दृष्टि से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग प्रदेशों और उनकी कुछ विभागों का तुलनात्मक लक्षण हम कर सकते हैं, जो एक सारणी मैंने आगे दी है उसमें हम देख सकते हैं। दिन में दृश्य प्रकाश के हरे बैंड से संबंधित 0.5
5 माइक्रोमीटर तरंग दैर्ध्य पर पृथ्वी से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के परावर्तन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऊर्जा के परावर्तन की इस अधिकतम मात्रा को ये आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं, और ये पूरी सारणी है जिसमें अलग अलग प्रदेश, तरंग दैर्ध्य और उनके लक्षण दिए गए हैं। जैसे आप देखें, गामा किरण प्रदेश जिसकी तरंग वेव होती है 0.03 mm, इससे फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे, एक्स किरण प्रदेश, पराबैंगनी किरण, फिर दृश्य प्रदेश जिसकी तरंग दैर्ध्य होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। इसके बाद आता है अवरक्त प्रदेश जो 0.7 से 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं, और फिर लघु तरंग प्रदेश आते हैं। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकाश और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और स्पेक्ट्रम का इस सारणी की सहायता से मुख्य प्रदेश, तरंग दैर्ध्य और लक्षणों का वर्णन कर सकते हैं। तो छात्रों, ये हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।